हेलो गाइस, स्टार्ट करते अपना वीडियो। अब देखो, हम टानला प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं बात करने वाले। ये आपको सामने में जो चार्ट लाया हूँ, ये सिर्फ एज एग्जांपल। देखो, टानला प्लेटफॉर्म कितने पे था, अगर मैं आपको और चार्ट दिखाऊँ तो ये पहले 10 रुपये पे था, फिर 20 पे था। इसमें जब अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हुई थी 20 रुपये पे था, फिर ये इसमें मूवमेंट आती है और ये 2000 तक चला जाता है। तो ऐसे स्टॉक्स जो होते हैं ये कंसोलिडेशन करते हैं और ये बहुत लंबा मतलब अच्छा रिटर्न देते हैं। वैसे आज हम एक स्टॉक देखने वाले हैं। अब कंपनी का मैं चार्ट दिखा दो आपके सब सामने। सबसे पहले ये है कंपनी का चार्ट। ये भी बहुत छोटी थी कंपनी, मतलब लिटरली पेनी स्टॉक था, 75 पैसे का पेनी स्टॉक था वो, जो अभी चलते 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 18 रुपये इसने हाई लगाया 30 रुपये का, और अभी ये चल रहा है 18 रुपये पे। अब देखो, कंपनी ने जो ये पैटर्न बनाया ये काफ़ी बढ़िया है। सबसे पहले तो MACD पे ये बुलिश है, ठीक है, MACD पे ये बुलिश बुलिश कैंडल बन चुके हैं। यहाँ इसने अपने 50 DMA की लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, 50 DMA ऊपर की तरफ गया है, तो ये एक पॉजिटिव बात है इसके लिए। और अब ये ब्रेकआउट भी दे दिया है, ये जो लेवल है ये लेवल के ऊपर आ चुका है ऑलमोस्ट। तो यहाँ इस लेवल पे बाइंग बिल्कुल बनती है। और आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, तो आपका स्टॉप लॉस होगा 14 रुपीज़ का। 4 रुपये के रिस्क है, सिर्फ और सिर्फ 4 रुपये के रिस्क है। और ऊपर इसका फर्स्ट टारगेट मैं रखूँगा 25 रुपये, सेकेंड टारगेट 30 रुपीज़, और 30 निकालने के बाद क्या पता ये भी शेयर 500 1000 रुपये भी चला जाए। ये जो कंपनी है इसके पहले फंडामेंटल हम देख लेते, एक बार फंडामेंटल का क्या कहना है। देखो, मैंने जो बोलता 50 DMA 200 DMA के ऊपर ये निकल चुका है, और 977 करोड़ की कंपनी स्पेसनेट एंटरप्राइजेस, और इसका पी काफ़ी महंगा है, 348 का पी है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी इतना कुछ खास नहीं है, बट ठीक है 6% का है। कंपनी करती क्या है, तो ये है बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग कमोडिटीज एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइडेड करने का काम ये कंपनी करती है। अब स्पेसनेट इज ए फिनटेक कंपनी, स्पेशलाइजेस इन ट्रेड, ट्रेड फाइनेंस, एम्पावरिंग ट्रेड, SMEs, MSMEs, इससे रिलेटेड इनका ओवरऑल बिजनेस है। अब ये भी देखो, हैदराबाद बेंच पास्ट एन ऑर्डर, ओके चलो, ये तो इनका कुछ ऑर्डर था वो हुआ है, और रेवेन्यू ब्रेकअप इनका एफर्ट कंपनी फ्रॉम ऑपरेशन से 99% एंड अदर इनकम सिर्फ 1%, तो ये पॉजिटिव में बोलूँगा। ऑपरेशन से 99% इनका रेवेन्यू आ रहा है। अब देखो, कंपनी ऑलमोस्ट डेब फ्री है, इन्होंने डेब कम किया है, और मीडियम सेल्स ग्रोथ देखो 96% इन लास्ट 10 ईयर्स। नेगेटिव बात इसमें क्या है कि 18 टाइम्स बुक वैल्यू पे ट्रेड करो, और प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी कम है, 16% की प्रमोटर होल्डिंग है। तो ये जो फैक्टर आते हैं, अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ टानला प्लेटफॉर्म का। अगर आप टानला प्लेटफॉर्म देखोगे, टानला प्लेटफॉर्म में भी क्या था कि ये भी 9 टाइम्स ट्रेड कर रहा अभी उसके बुक वैल्यू के, और अभी ये फंडामेंटल तो बहुत ज़्यादा सुधर गए हैं। पर ये जो पेनी स्टॉक था तब इसके फंडामेंटल भी सेम इसके जैसे ही होते होंगे, प्रमोटर होल्डिंग लो एंड ऑल। तो ये कुछ बातें होती है हमें याद रखनी होती है। वो प्रमोटर होल्डिंग अगर यहाँ तक देखो तो 39% ही थी यहाँ पे, तो इसके पीछे भी कम ही होगी, इसके पीछे भी कम ही होगी। पर ये देखो दिसंबर 2020, अब दिसंबर 2020 कहाँ पे था, दिसंबर 2020 ये था, यहाँ प्रमोटर और इन्होंने माल खरीदा और ये शेयर से भाग गया कि क्या ही बोले, है ना। और यहाँ DIIs ने बेचा था, FIIs ने खरीदा था, FIIs ने तो तगड़ा माल खरीदा था, यहाँ देख सकते हो स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड, अमानसा होल्डिंग, तो स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड, इनके पास कोई छोटा शेयर हो तो वो देखने का। कॉक्स एंड किंग ये 2019 का है, 2020 में इन्होंने ओके और दूसरा था मानसा होल्डिंग ना, ये 3% इन्होंने खरीदा था, इन्होंने वी मार्ट लिया है रिसेंटली, इन्होंने वी मार्ट में बाइंग की, अच्छी खासी वी मार्ट में ही बाइंग की है, और जेंसार इन्होंने बेचा है।
तो चलो ठीक है, ओवरऑल स्ट्रक्चर ठीक है। तो टानला प्लेटफॉर्म जैसे भाग गया, वैसे भी ये शेयर आगे आगे जाके भाग सकता है, क्योंकि इनका प्रॉफिट देखो 0.86 से 1.34 हो गया, ओपीएम 2% से 5% हो गए, तो ओपीएम इंक्रीज है, तो पॉजिटिव बात है यार। नेट प्रॉफिट भी देखो 70 लाख से 1 करोड़ 15 लाख का हो गया नेट प्रॉफिट, तो स्ट्रक्चर मुझे अच्छा लग रहा है, प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है कंपनी का। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ तो हमें यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा, बट टिकर टेप पे देखना पड़ेगा। इधर यहाँ देखो मेघे सागर दत्तात्रेय, इन्होंने 17 रुपये पे 41 लाख शेयर्स खरीदे हैं, और टिकर टेप पे हमें जाना पड़ेगा। इसके टिकर टेप पे परफॉर्मेंस हाई, कंपनी का परफॉर्मेंस हाई है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, एंट्री पॉइंट एवरेज, रेड फ्लैग लो। और यहाँ देखो प्रॉफिट में आ रही कंपनी, लॉस से प्रॉफिट, देखो 2020 में इनका प्रॉफिट 12,000% डाउन था, यहाँ 249% अप पे लास्ट ईयर से, तो ये ग्रोथ दर्शाता है जहाँ लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आती है, तो यहाँ कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है। और होल्डिंग की हम बात करने वाले थे, तो होल्डिंग देखो 16% प्रमोटर के पास है, कोई प्ले नहीं। अदर पार्टीज देखो 77% अदर पार्टीज है, रिटेल सिर्फ 6% है, तो ऐसी कंपनियां कब भाग जाए हम बोल नहीं सकते। और ये जो चार्ट है यहाँ पे मुझे एक इंटरेस्टिंग सी बात भी दिख रही है, अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में चल रहा है, अपवर्ड स्लोपिंग चैनल अगर मैं ड्रॉ करने जाऊँ, यहाँ से ये हो गया इसका डाउन और ये हो गया इसका अप, ये चैनल में शेयर भाग रहा है देखो, है ना, ये चैनल में शेयर कंसोलिडेट कर रहा है, इसके ऊपर गया तो ये ब्रेकआउट कर देगा और फिर हमें अच्छे खासे बड़े टारगेट के लिए इसे होल्ड करना है। और यहाँ प्लेजिंग का भी कुछ टेंशन नहीं है, परफॉर्मेंस मुझे हाई दिख रही है, तो ये एक अच्छी बात है, परफॉर्मेंस हाई दिख रही है तो यहाँ आप नज़र रख सकते हो। जैसे कि ये टानला प्लेटफॉर्म का देखा हमने, कैसे प्रमोटर ने बाय कर लिया, FIs ने बाय कर लिया और ये शेयर भाग गया था, तो ऐसे ही कुछ यहाँ पे भी एक्टिविटी हो सकती है। यहाँ FIIs बाइंग वाला ऑप्शन अगर मैं ढूंढने जाऊँ ना, तो आप स्क्रीन्स स्क्रीन्स में FIIs बाइंग देखेंगे, और यहाँ हम सेट करेंगे एडिट कॉलम, प्राइस, ओके FIIs बाइंग देख लेते हैं, चेंज इन FIIs बाइंग 7 से, यहाँ FIIs ने इससे बढ़ा लिए है, सिरमा SGS में बढ़ा ली है, और कहाँ का आप चेंजेस, जस्ट डायल में चेंजेस किया है, यहाँ ग्रेविटा में चेंजेस किया है, छोटा स्टॉक चाहिए हमें, कुछ छोटा स्टॉक में अगर मिल गया ना तो फिर मजा आता उसमें, मतलब वन परसेंट से 3% NCL इंडस्ट्री में लिया है, वेरिटास में लिया है, कुछ माल वेरिटास में लिया है, देखो वेरिटास में भी लिया है माल, वेरिटास में ये क्या है, सनशील्ड केमिकल में लिया है, ओके सनशील्ड केमिकल, और 63 मून्स में बाइंग किया है, 63 मून्स में देखो 1% से 5% लिया है सीधा, तो ये आप स्टॉक्स ढूंढ सकते हो, स्क्रीनर पे भी ये ऑप्शन अवेलेबल है।